तो दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। होता क्या है कि अगर आप रेडमी का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और रेडमी के मोबाइल में अगर आपके पास MIUI का कोई भी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है और उस सॉफ्टवेयर के अपडेट को उस समय अगर आप नहीं करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर का अपडेट रोल बैक हो जाता है। और जब वो सॉफ्टवेयर का अपडेट रोल बैक होता है उसके बाद दोबारा आपको ये सॉफ्टवेयर का अपडेट देखने को नहीं मिलता है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बीत जाता है, दोबारा वो सॉफ्टवेयर का अपडेट आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। सभी यूज़र को वो अपडेट मिल जाता है और सभी यूज़र उसको अपडेट कर लेते हैं, पर दोबारा आपको ये अपडेट नहीं मिलता है, जिसके चलते आप क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर का अपडेट कर नहीं पाते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में रोल बैक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक पुराना मेल दिखाने वाला हूँ। इस पुराने मेल में देख सकते हैं जिसमें बताया गया कि अगर आपको सॉफ्टवेयर का कोई भी अपडेट आता है और वो सॉफ्टवेयर का अपडेट अगर रोल बैक हो जाता है, आप सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं करते हैं, तो कैसे उसको दोबारा सॉफ्टवेयर का अपडेट पा सकते हैं उसके बारे में पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया गया कि क्या स्टेप को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टिप्स बताने वाला हूँ। इस एक्स्ट्रा टिप्स को फॉलो करने के बाद आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अपडेट को पा सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेता हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लिया है। और ऑन करने के बाद मैं अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाऊँगा। और सेटिंग में जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अबाउट फोन पे क्लिक करता हूँ। अबाउट फोन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पे सॉफ्टवेयर का अपडेट मिल चुका है। तो मैंने यहाँ पे प्रोसेस किया है और मुझे सॉफ्टवेयर का अपडेट मिल चुका है। तो अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आपको क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। तो चलिए मैं मोबाइल के सेटिंग में चले जाता हूँ। मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है मैनेज ऐप्स में। मैनेज ऐप्स में जाने के बाद दोस्तों आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद अगर आपका यहाँ पे शो ऑल ऐप्स अगर शो होता है तो आपको शो ऑल ऐप्स पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जितने भी डिफॉल्ट एप्लीकेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे लिखना है अपडेटर। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं अपडेटर, अपडेटर लिखने के बाद 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कंपनी आपको सिर्फ 1 ऑप्शन बताती है अपडेटर के बारे में। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन अपडेटर का, दूसरा मिलेगा सिस्टम ऐप्स अपडेटर का, और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपडेटर का। तो आपको क्या करना है, ये तीनों एप्लीकेशन का क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। जैसे यहाँ पे अपडेटर पे आप क्लिक करते हैं तो नीचे में आपको क्लियर कैच का और क्लियर ऑल डाटा दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करके इस प्रकार से क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा कर ले। उसी प्रकार आपको सिस्टम ऐप्स अपडेटर पर क्लिक करना है, इसका भी क्लियर कैच क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। कॉन्फ़िगरेशन अपडेटर पे जाना है और इसका भी क्लियर कैच और क्लियर ऑल डाटा कर लेना है। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपको 2 से 3 दिन के अंदर में या नेक्स्ट डे आपको ये सॉफ्टवेयर का अपडेट देखने को मिलेगा। क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद मुझे 1 घंटे के अंदर में ये सॉफ्टवेयर का अपडेट मिला है। तो आपको हो सकता है कि 1 घंटे में ना मिले, पर नेक्स्ट डे या 2 दिन के अंदर में आपको ये सॉफ्टवेयर का अपडेट मिल जाएगा। अगर ये सॉफ्टवेयर का अपडेट बाकी यूज़र को रोल आउट किया गया है तभी ये आपको सॉफ्टवेयर का अपडेट नेक्स्ट डे मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे और कुछ भी दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ और सेटिंग में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करूँगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अगर मैं यहाँ पे सर्विस एंड फीडबैक पे क्लिक करता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद माय फीडबैक पे जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा तो माय फीडबैक पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे मेल मैं यहाँ पे करता हूँ कंपनी को और कंपनी द्वारा मुझे यहाँ पे रिप्लाई किया जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, अगर मुझे सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं मिलता है तो मैं यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं मिलता उसका मैं यहाँ पे मेल करता तो उसका रिप्लाई आप देख सकते हैं। सभी में रिप्लाई यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे रिप्लाई में लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे पेशेंस रखें, आपको 1 से 2 दिन के अंदर में सॉफ्टवेयर का अपडेट मिल जाएगा। तो ये कंपनी के द्वारा मेल आता है। उसी प्रकार अगर मेरे मोबाइल में किसी प्रकार का इशू देखने को मिलता है तो उसका भी मैं यहाँ पे मेल करता हूँ और उसका भी रिप्लाई आता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे बोया माइक के बारे में मैंने यहाँ पे मेल किया था जिसमें बताया था कि रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस में कैमरे में बोया माइक सपोर्ट नहीं करता है, जो भी एक्सटर्नल माइक होता है वो सपोर्ट नहीं करता है। तो कंपनी के द्वारा भी मुझे यहाँ पे मेल किया गया था और जिसमें बताया गया था कि आप क्या करें कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग करें और लॉक के थ्रू आप मुझे यहाँ पे मेल करें, देन मैं इसको चेक करूँगा, देन अगर इसमें कोई इशू होगा तो मैं आपको इसका एक सॉफ्टवेयर का अपडेट दे दूँगा। तो अगर दोस्तों कोई भी इशू मिलता है तो आप यहाँ पे एक मेल कर सकते हैं। मान लीजिए कि सबसे पहले मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ कि अगर आपको सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं मिले तो क्या करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल के अबाउट फोन में जाके MIUI वर्सन पे जाना है और उसका एक स्क्रीन शॉट ले लेना है। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा सबमिट फीडबैक का, इस पर आप क्लिक करें। इशू पे आपको क्लिक करना है, एक मेल आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं येट आई हैव नॉट रिसीव एनी MIUI वर्सन, और जो करंट वर्सन आपका चल रहा है वो करंट वर्सन आप यहाँ पे लिख दें और लेटेस्ट वर्सन आप लिखें कि लेटेस्ट वर्सन का अपडेट मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं मिला है।
उसके अलावा आपको यहाँ पे क्या करना है, इमेज पे क्लिक करके उस इमेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट आइटम वाला ऑप्शन मिलेगा, और सिलेक्ट आइटम में अगर सॉफ्टवेयर का अपडेट नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंस्टॉल ग्लोबल, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इंस्टॉलर ग्लोबल, ये आप सिलेक्ट कर लें। टाइम यहाँ पे सेट कर लें, अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे दे दें, देन आपको सेंड पे क्लिक कर देना है। और इशू अगर आपको आता है अपने मोबाइल में, अगर इशू आता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे लॉग वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, लॉग पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिससे रिलेटेड आपको यहाँ पे इशू मिलता है, उस पर आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है और उस एप्लीकेशन में चले जाना है। और एप्लीकेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, होता क्या कि उसका एक वीडियो जिप फाइल में बन जाता है, और जिप फाइल में बनने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर मेल करके सेंड कर दीजिएगा, तो वो क्या होगा कि कंपनी उसको चेक करेगी, और चेक करने के बाद अगर कोई इशू होगा तो इशू को फिक्स करके आपको यहाँ पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।